गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अमित और आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर टू का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सेमेस्टर टू का है, पहले ही बता देता हूं। इससे पहले हम लोगों ने तोरुदत्त, ठीक है, तोरुदत्त के लाइफ एंड वर्क को पढ़ा और उसके बाद द लोटस का जो समरी था उसको हल किया। अगर आपने वो सब वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। दो वीडियो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ तोरुदत्त पर। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग लोटस से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और लोटस का हम लोग क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखेंगे, किस तरह से क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखना है, ठीक है, लिखना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। एक चीज और है कि इसमें आपका दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक होगा इंडियनिज्म, इंडिया इज्म, ठीक है। तो इंडियनिज्म यानी भारतीत्व जो है वो द लोटस में दिखता है तोरुदत्त का। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि तोरुदत्त का इंडियनिज्म आपको दिखाना है या लिखना है लोटस पोएम के अनुसार, या फिर बताना है कि जो लोटस है उसमें इंडियनिज्म दिखता है तोरुदत्त का, ठीक है, तो उसको आपको क्लियर करना है, तो उसका भी क्वेश्चन का आंसर आप सेम लिख सकते हो इसको, ठीक है। फिलहाल चलिए क्रिटिकल अप्रिसिएशन को शुरू करते हैं। तो राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन द पोएम द लोटस, ठीक है, बाय तोरुदत्त। स्टार्ट करते हैं। द लोटस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ तोरुदत्त। तोरुदत्त के जितने भी पोएम्स हैं उनमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। सी गॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। तो इंडिया में जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें तोरुदत्त का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सी इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब होता है विचार करना, तो सी इज कंसिडर्ड इन ब्रिटिश रोमेंटिक पोइट, ठीक है। तो इसे कंसिडर्ड किया जाता है ब्रिटिश रोमेंटिक पोइट में। ये एक पोइट्स का ग्रुप है जिसका एक विशेष मतलब गुण होता है पोएट्री लिखने में, खास करके इन लोग का ज्यादातर जो पोएट्री होता है वो लिरिकल होता है, ठीक है। तो जो तोरुदत्त है वो भी लिरिकल टाइप में लिखती है, तो इसी कारण से इसे भी ब्रिटिश रोमेंटिक पोइट में कंसिडर्ड किया जाता है, ठीक है, इसके आइडियाज के लिए, थॉट्स के लिए और इमेज राइटिंग स्टाइल के लिए, ठीक है। एंड मेनी अदर फीचर्स मार्क्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। तो तोरुदत्त की बहुत सा ऐसा मतलब पोएट्री में बहुत सी ऐसी मतलब खासियत या लिखने का जो तरीका है वो ब्रिटिश रोमांटिक पोएट से मिलता जुलता है और इसीलिए इसे भी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स के अंतर्गत कंसिडर्ड किया जाता है। तोरुदत्त फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ आर्केइज्म, ठीक है, आर्केइज्म एक पोएटिक डिवाइस होता है। इन हर पोएट्री रिकॉल द सम टेंडेंसी इन वर्ड्सवर्थ स्कॉट एंड बर्न्स। ये लोग भी लिरिकल टाइप में लिखते थे तो इन्हें भी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये लोग आर्केइज्म यूज करते हैं अपने पोएट्री में और उन्हीं के तरह तोरुदत्त भी आर्केइज्म यूज करती है अपने पोएट्री में। आर्केइज्म क्या था? ओल्ड इंग्लिश होता है जो अभी प्रचलन में नहीं है। दिस पोएम ओपन्स विद द डायरेक्ट स्टेटमेंट दैट लव अप्रोच फ्लोरा, ठीक है, लव के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, गॉड ऑफ लव है, ठीक है, गॉड ऑफ लव। और ये जो फ्लोरा है ये एक देवी है फ्लावर्स की और वेजिटेशन की, यानी फूलों की और वनस्पति की। तो फ्लोरा, ठीक है, लव जो है फ्लोरा को अप्रोच करता है, यानी अप्रोच फ्लोरा के पास जाता है। इसी स्टेटमेंट के साथ जो पोएट्री शुरू होती है। फ्लोरा कौन है? द रेनिंग सॉवरेज सॉवरेन, रेनिंग सॉवरेन ऑफ द किंगडम ऑफ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर का जो किंगडम है, ठीक है, उसका सॉवरेन यानी सर्वत्र यानी प्रभुत्व, ठीक है, और रेनिंग मतलब होता है शासन करने वाला या शासन करने वाली। तो यहाँ पे फ्लोरा जो है शासन करती है किसमें? किंगडम ऑफ फ्लावर में और वेजिटेशन में, इसकी यह देवी है। एंड आस्क फॉर अ फ्लावर, ठीक है, लव एक फ्लावर मांगता है दैट वुड बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसपे कोई भी संदेह ना हो, ठीक है, उसे अनडिस्प्यूटेड। तो लव एक फूल का डिमांड करता है फ्लोरा से जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो, जिसे हम लोग क्वीन कहे, और इस बात पर कोई भी प्रश्न ना उठाया जाए, कोई भी संदेह ना हो, ठीक है। और ये हम लोग देख रहे हैं कि लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, ये एक पोएट्री का लाइन है, ये पोएट्री का लाइन है, ठीक है, ये पोएट्री का
लाइन है, लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड बी फ्लावर बी एन क्वेश्चन क्वीन, तो एक अनक्वेश्चन क्वीन वाला एक फ्लावर इसे चाहिए फ्लोरा को, ये लाइन है ठीक है पोएट्री का। द अबव लाइन ऑफ द पोएम क्लेरिफाइज, यह क्लियर कर दिया द आइडिया ऑफ तरुदत्त वेरी क्लियरली। तो पोएम में तरुदत्त क्या कहना चाह रही है वो आइडिया पहले लाइन में ही क्लियर कर देती है। इन द सोनेट्स फर्स्ट लाइन तरुदत्त राइज अ क्वेश्चन, ये जो सोनेट इसका जो फर्स्ट लाइन है उसमें तरुदत्त एक क्वेश्चन राइज करती है यानी पूछती है ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड, ठीक है विश्व के सबसे सुंदर फूल यानी फ्लावर के बारे में वो क्वेश्चन पूछती है। सी इज द फर्स्ट इंडियन राइटर हु सोएड इंडियनिज्म, पहले बता चुका इंडियनिज्म इन हर वर्क, ये पहली एक ऐसी राइटर ठीक है ऑथर मतलब पोएटस थी ठीक है जिन्होंने इंडियनिज्म को शो किया है अपने वर्क में, भारतीत्व को अपने वर्क में दिखाया है ठीक है। कैसे तो फॉर लॉन्ग टाइम द लोटस हैज बीन द रिलीजियस फ्लावर इन इंडिया, आपको पता है कि जो लोटस है वो हिंदुस्तान में यानी इंडिया में हिंदुइज्म में कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, अगर हिंदू मैथोलॉजी की बात करते हैं यानी हिंदू धर्म में अगर पौराणिक कथा की बात करते हैं तो लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु एंड सरस्वती आर फॉन्ड ऑफ दिस फ्लावर, ये गॉड ब्रह्मा जी विष्णु जी और सरस्वती का बहुत ही प्रिय फ्लावर है ठीक है। कमल का जो फूल होता है लोटस जो है, यहाँ तक कि लक्ष्मी माँ का भी वो फेवरेट है, तो पूजा में हम लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं, तो ये फ्लावर का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है ठीक है, इंडिया में एक अलग ही इम्पोर्टेंस है और ये चीज़ को ही दिखाने की कोशिश की है कौन तरुदत्त ठीक है। बट नो पोएट सोएड इट्स सिग्निफिकेंस इन दियर वर्क, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, लेकिन किसी पोएट ने इसके महत्व को अपने वर्क में नहीं दिखाया है सिवाय किसके तरुदत्त के ठीक है। तो इसीलिए वो एकमात्र पोएट उसे कहा जा रहा है जो इंडियनिज्म को ठीक है वो दिखाने की कोशिश की अपने वर्क में। यहां देखते हैं तरुदत्त डिलीवर्ड अ क्लियर मैसेज दैट सम पोएट्स राइट्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ रोज एंड सम आर प्राउड ऑफ लिली बट दे फॉरगेट द रिलीजियस लोटस, कई सारे पोएट्स हैं जिन्होंने या तो रोज के सुंदरता के बारे में लिखा है या तो लिली के प्राउड के बारे में उसके गर्व के बारे में लिखा है, लेकिन वे लोग भूल गए लोटस के रिलीजियस यानी रिलीजियस लोटस पवित्र लोटस को लिखना भूल गए। सी इज ट्रूली अ ग्रेट राइटर, सी इज ट्रूली अ ग्रेट राइटर, वो एक बहुत ही अच्छी राइटर है। सी प्लेड अ वीटर रोल इन कीपिंग द सैक्रेट फॉर्म ऑफ इंडियन मैथोलॉजी अलाइव, तो ये ग्रेट इसलिए है क्योंकि वो एक ठीक है महत्वपूर्ण रोल प्ले की है भारत के मैथोलॉजी को जिंदा रखने में ठीक है, भारत के मैथोलॉजी को जिंदा रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। सी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट द सैक्रेट लोटस फ्लावर ऑफ इंडिया शुड बी सीन एज सुपरियर टू ऑल अदर फ्लावर्स, कर देता हूँ मैं यहाँ पे, वो नीचे में होगा ठीक है उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर सी ऑलरेडी डिसाइडेड, वो पहले से ही ये तय करके रखी हुई थी जो पवित्र लोटस फ्लावर है इंडिया में उसे ना सुपीरियर होना चाहिए सभी फ्लावर में यानी सभी फ्लावर से श्रेष्ठ होना चाहिए, ये दिखाने की वो कोशिश की है ठीक है। फ्लावर्स सी वेरी ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदरता से डिस्क्राइब्ड की है वो द लोटस फ्लावर एज द बेस्ट थ्रू दिस पोएम ठीक है। तो इस पोएम के थ्रू ठीक है बहुत ही बढ़िया से लोटस को ठीक है बेस्ट बनाने की वो कोशिश की है, बहुत ही बढ़िया से उसके बारे में डिस्क्राइब की है। बिफोर रेड द लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर को श्रेष्ठ बनाने से पहले द ऑथर एक्सप्लेन्स टू ब्यूटीफुल फ्लावर, सम राइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ रोज अदर वाइल अदर प्रेज द लीली ऑफ स्टैंडिंग अपराइट, तो इससे पहले वो दो खूबसूरत फूलों के बारे में बताती हैं, पहला जो है वो रोज की ब्यूटी के बारे में बताती हैं कि कुछ राइटर्स जो है ना रोज के ब्यूटीज के बारे में लिखते हैं, वहीं कुछ लोग लिली के खड़ा रहने यानी वो सीधा खड़ा रहने ठीक है फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है,
उसके सीधा रहने को लेकर के तारीफ करते हैं, ठीक है। तो ये दो फ्लावर के बारे में पहले तोरुदत्त बताती हैं। फॉर सेंचुरीज देयर हैज बीन अ स्ट्रगल बिटवीन दिस टू फ्लावर्स हु इज द बेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों में बेस्ट कौन है, लीली या रोज, ठीक है। इस प्रश्न को लेकर के सालों से स्ट्रगल चलता आ रहा है, ठीक है। एंड इन द एंड, और लास्ट में द ऑथर स्टेट्स दैट द कंबाइंड क्वालिटी ऑफ दीज टू इज फाउंड इन लोटस फ्लावर। फिर लेखिका कहती है लास्ट में कि जो कंबाइंड क्वालिटी है, यानी रोज का क्वालिटी और लिली का क्वालिटी, ये दोनों ही पाया जाता है किसमें, लोटस फ्लावर में पाया जाता है। इन दिस वे, इस तरह से द लोटस फ्लावर इज द बेस्ट फ्लावर अनलाइक विच देयर इज नो अदर फ्लावर, ठीक है। तो बोल रहा है कि लोटस फ्लावर दुनिया का बेस्ट फ्लावर है, ठीक है, और इसके तरह दूसरा और कोई भी फ्लावर नहीं है, तोरुदत्त ये बताती है। तोरुलता यानी तोरुदत्त वॉज मच मिक्सड विथ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड दिस वॉज द रीजन दैट सी यूज टू राइट हर लिटरेचर इन इंग्लिश। तोरुदत्त जो है वो यूरोपियन सभ्यता से मिक्सड है। आपको पता है कि वो यूरोप की यात्रा की थी, वहाँ पे भी अपना टाइम एक्सपेंड की, पढ़ी लिखी और वहाँ के सभ्यता को अपनाई, ठीक है। तो इस तरह से वह भारत और यूरोपियन दोनों ही सभ्यता को वो अपनाई थी और इसी कारण से वो इंग्लिश में लिटरेचर को लिखी। येट फिर भी, ठीक है, वो यूरोपियन सभ्यता से मिली जुली थी, फिर भी हर लव, उसका प्यार, उसका स्नेह और उसका सम्मान इंडिया के प्रति वुड नॉट डिमिनिश। इंडिया के प्रति जो उसका सम्मान है, प्यार है, वो कभी भी डिमिनिश नहीं हुआ, कभी भी खत्म नहीं हुआ फ्रॉम हर हार्ट, यानी उसके दिल से। द लोटस पोएम इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस, और लोटस पोएम जो है इसी बात का एक गवाह है, एक एग्जाम्पल है। तो गाइस, आप इसको जो अगर लिखना चाहते तो यहाँ से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप मेरे वेबसाइट जे पाठशाला, ठीक है, पाठशाला, तो जे पाठशाला .com या फिर जे पाठशाला जाकर के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तोरुदत्त भी लिख करके आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पीछे भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सेकेंड सेमेस्टर का एक नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।